वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है ना। बस सबसे पहले डिस्टेंस वर्ड दिखते ही बस ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकलता है। सही बात है, बेसिक चीज है तो, ठीक है। अब आगे क्या है, बिटवीन द पॉइंट। एक पॉइंट है जिसका पोजिशन वैक्टर है, मतलब वैक्टर दिया हुआ है। और वैक्टर से पॉइंट लिखने का क्या तरीका था, वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका पता होना चाहिए बस ये तो। मतलब एक पॉइंट है, बस वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप हटा दो या फिर इनके कोफिशियंट। तो यहां पर कोफिशियंट क्या है, -1। सही बात है। फिर जे कैप का कोफिशियंट, सही बात है। और फिर के कैप का जो भी कोफिशियंट, मतलब उसके मल्टीप्लाई में, तो कितना, -10। तो ये है एक पॉइंट, सही बात है। चलो ए नाम रख लिया, चॉइस है, सही बात है। तो ये बात तो पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इस चीज का मतलब सबसे पहले आई कैप का कोफिशियंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। क्यों होगी ये चीज, क्योंकि पॉइंट बनता है एक्स वाई जेड से। सही बात है, ये चीजें तो बेसिक। और या तो जैसे ये एक्स एक्सिस वाई और जेड, सही बात है। और याद हो तो आई कैप की डेफिनेशन क्या थी, एक तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए तीनों को कैप से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, सही बात है। और आई कैप की डेफिनेशन क्या थी कि एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो सकता है, वो नेगेटिव साइड भी हो सकता है, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है ना, ये चीज बेसिक है। और वाई पर जे कैप था, सही बात है, जेड पर के कैप था। तो इस वजह से ये ऑर्डर होना चाहिए, तभी यहां पर इस तरीके से। इस चीज का मतलब है कई बार ये ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, सही बात है। तो वहां पर ये डायरेक्ट बात ये मत अप्लाई कर देना कि कोफिशियंट, ठीक है, तो कोफिशियंट का ऑर्डर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉइंट आ चुका है। तो अब दूसरा हमें निकालना डिस्टेंस, मेन टारगेट ये डिस्टेंस निकलता दो पॉइंटों बीच में। एक पॉइंट तो है, अब दूसरा पॉइंट आ जाए किसी तरीके से, सही बात है, सॉल्यूशन निकल जाएगा, सही बात है। अब आगे कंडीशन क्या कि एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या थी, जैसे लास्ट पार्ट में भी डिस्कस हुई थी, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर इसका दूसरा नाम कॉमन पॉइंट रख लो, सही बात है ना, कि मतलब कम से कम 2 करो पर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां पर कम से कम 2 करो इंटरसेक्ट, मतलब कट करें, कम से कम 2, सही बात है। तो अगर डेफिनेशन क्लियर है फिर तो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं, सही बात है। एक लाइन है, एक प्लेन है, ये बात हमें भी पता होनी चाहिए वैसे, कि कोई एक लाइन, जैसे ये तो प्लेन, और कोई एक पर्टिकुलर लाइन, चलो ये मान ली किसी भी एंगल पर कट कर सकती है, किसी भी एंगल पर कट कर सकती है। यहां पर एंगल की बात नहीं हो रही, कि ये मत समझ लेना कि परपेंडिकुलर कोई भी एंगल हो, हमें उस चीज से मतलब नहीं, सही बात है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कोई लाइन किसी प्लेन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कोई एक लाइन किसी एक प्लेन को, सही बात है। थोड़ा सोचना है, ठीक है। तो इस बात का कहने का ये मतलब है कि इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, किसी एक लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन है वो एक पॉइंट होता है। इसी तरीके से, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेनों का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है। अब ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बस हमारी ये चीज काम की, ये चीज पहले डिस्कस हो चुकी है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर ये काम के, तो इस चीज का फायदा उठा लो, या फिर सिंपल सी बात है ज्योमेट्री समझ लो, और कुछ नहीं, ठीक है। कोई एक लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगी, सही बात है। और इस पॉइंट की खास बात, कॉमन पॉइंट का मतलब दोनों की करो पर होगा, जैसे यहां पर लाइन पर भी होगा इस तरीके से, जैसे ये प्लेन है, समझने के हिसाब से कोई एक लाइन इस तरीके से कट कर रही है, समझने के हिसाब से चलो ये मान लिया। तो इस पॉइंट की खास बात, ये इस लाइन पर भी है, सही बात है, प्लेन पर भी है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये बेसिक चीजें हैं, सही बात है। और यहां पर जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में, यहां पर जो दूसरा पॉइंट निकालना, मेन टारगेट क्या है, दो पॉइंट होने चाहिए, एक है, दूसरा पॉइंट निकालना है, सही बात है। चलो बी पॉइंट मान लिया, कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन का बी मान लिया, सही बात है। अगर उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये चीजें पहले डिस्कस हो चुकी है, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, मतलब जनरल पॉइंट के लिए लिखते हैं एक्स वाई जेड, इस वजह से, मतलब इनके कोऑर्डिनेट, सही बात है। चलो और मान लिए x1 y1 z1 मान लिए, सही बात है। लेकिन इस चीज का लेने का कोई फायदा है नहीं इस तरीके का, क्यों, क्योंकि यहां पर तीन वेरिएबल है, लेट करने का तो यही मतलब है ना, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब x1 y1 z1 निकालने, सही बात है। तीन वेरिएबल सोल्व करने के लिए कम से कम तीन इक्वेशन हो, और इस
तरीके न्यूमेरिकल में, या फिर कहो कि चलो 23-12 के केस में दो इक्वेशन हो, और इस तरीके के केस में दो इक्वेशन कभी भी नहीं मिलेंगी। कितनी इक्वेशन मिलेंगी? केवल एक, और केवल एक के लिए तो एक वेरिएबल होना चाहिए, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल था। सही बात है, उस इस चीज को कंपेयर कर सकते उससे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, दूसरा पॉइंट निकालना है और सॉल्यूशन किस तरीके से। तो लास्ट न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो गिवन लाइन है, सही बात है, जो भी लाइन की इक्वेशन है उस चीज से हमें मतलब नहीं, कुछ भी यहाँ पर गिवन हो, सही बात है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर इस चीज को मानना पड़ेगा लैम्डा के इक्वल, ये चीज काम की थी, सही बात है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक कंडीशन मिलती है, एक कंडीशन मतलब एक इक्वेशन, सही बात है। और एक इक्वेशन के केस में तो सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम उस चीज को सोल्व कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो गिवन लाइन ये है, और एनी पॉइंट ऑन लाइन, सही बात है ना, एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालने का क्या तरीका बताया था, बस इस लाइन की डेफिनेशन बताओ कि एक पर्टिकुलर लाइन है जिस पर कोई पासिंग पॉइंट है, किस टाइप का, जो x माइनस एक्स वन था मतलब 2, y माइनस वाई वन था माइनस साइन को छोड़ के, फिर यहां पर 2 z में से, सही बात है। कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है, किसी के पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन रेशो 3, 4, 12 है, जिसके डायरेक्शन रेशो इस तरीके के है। डायरेक्शन रेशो का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट भी होता है, इस तरीके से भी मान सकते हो, या फिर डायरेक्शन रेशो को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो तो भी बात ठीक है, ठीक है ना। तो इस चीज का ये मतलब है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है कब, जब एक पासिंग पॉइंट और किसी के पैरेलल हो, सही बात है। तो बस वो वहां से एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालने का तरीका है बस, ठीक है ना। और जिस पर जनरल पॉइंट इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने कहने का ये मतलब है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो लैम्डा से कंपेयर करके, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × λ, कैलकुलेशन है टोटली, सही बात है, ये माइनस राइट हैंड साइड चला जाएगा, सही बात है। फिर वाई की वैल्यू 4 × λ कितना हो जाएगा, -1, ये साइड +1 है तो राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा। कंपेयर कर रहे हैं उस कुछ नहीं, फिर इन दो को कंपेयर करना है, जेड की वैल्यू निकाल लो तो 12 λ, सही बात है, और +2 हो जाएगा, सही है ना। तो इस चीज का ये मतलब है जिस लाइन की यहां पर बात हो रही उस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, सही बात है, उस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, इतनी बात सही है। तो इस चीज का कहने का मतलब है यहां पर पॉइंट एक ही होगा जो प्लेन पर हो, ये काम किए तो ये ज्योमेट्री दिखेगी इस तरीके की होगी, ऐसी नहीं है, सही बात है, हमें पता होनी चाहिए इस तरीके की ज्योमेट्री है, चलो इस तरीके से मान लिया केस, सही बात है। कि मतलब मान लो कि पास आउट हो रही है लाइन, है लाइन तो दोनों साइड एक्सटेंड होगी, सही बात है, तो लाइन की डेफिनेशन से ये बात कह सकते हो, सही है ना। तो यहां पर प्लेन पर केवल एक पॉइंट होगा, ये काम किया है। तो अगर इस तरीके की ज्योमेट्री ड्रा करोगे तो ये गलत है, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली ज्योमेट्री ड्रा नहीं करते, सही बात है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर मतलब इस तरीके से, एक तरीके से ये हो जाएगा कि इसी प्लेन पर एक तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट का काम हो जाएगा, सही बात है। तो इस वजह से ये बात बताओ नीचे कि इस तरीके का केस केवल एक पॉइंट की बात करनी है, सही बात है। और जब जब ये लैम्डा वैल्यू बदलेगी लाइन के अलग अलग पॉइंट मिलते रहेंगे, वो एक अलग बात है। तो मेन काम क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालना, कब, जब जो ये पॉइंट है, चलो बी पॉइंट मान लिया, सही बात है, ये प्लेन पर भी है, हमें पता होना चाहिए प्लेन पर, इस कंडीशन की वजह से प्लेन पर है, या फिर इस कंडीशन की वजह से कह सकते हो, सही बात है। और किसी कोई पॉइंट कहीं पर भी उसी चीज की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो यहां पर प्लेन है तो प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, कहां पर, प्लेन का जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड है, मतलब पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट की जगह ये चीज वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर तो एक्स की जगह ये रहा, सही बात है, y की जगह तो माइनस साइन है, जिट इज y की जगह पुट कर रही है ये चीज, तो -4 λ और माइनस माइनस से +1 कैलकुलेशन है, फिर +z, तो z की वैल्यू है जिट इज, तो जो भी रिजल्ट आए, ठीक है ना, तो +12 λ +2, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे प्लस है किसके बराबर है, 5, कैलकुलेशन रहेगी और कुछ नहीं। तो इनको बस लैम्डा वाली टर्म को इकट्ठे कर लो तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, 3 λ प्लस 12 तो 15, -4 11 λ, सही बात है, +2 है, ठीक है, +2 तो 4, और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो इस साइड प्लस का 4 है, राइट हैंड साइड जाएगा -4, तो 5 − 4 = 1, तो लैम्डा किसके बराबर है, कैलकुलेशन है 1/11। लैम्डा की वैल्यू कहां पर पुट कर दोगे, इस बी पॉइंट में, बी पॉइंट आ जाएगा, सही बात है, और बी पॉइंट आते ही दो पॉइंट आ चुके हैं ए और बी,
सही बात है। और ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस तो किसी भी दो पॉइंटों के बीच में हो सकता है, सही बात है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर इनका जो इंटरसेक्शन है उसी वही पॉइंट होना चाहिए, सही बात है। तो वो बी है, तो अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैलकुलेशन टोटली मतलब इस तरीके से फॉर्मूला था, x2 माइनस एक्स वन का होल स्केयर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्केयर और पूरे का स्क्वेयर रूट, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं, सही बात है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन रहेगी इसके बाद, ठीक है। कंसेप्ट सही होना चाहिए, टोटली कैलकुलेशन है उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मेन टारगेट के डिस्टेंस, तभी बात दिमाग में आनी चाहिए। दो पॉइंट है, एक गिवन है, एक और आ जाए किसी तरीके से, और एक यहां से आएगा, सही बात है। और ये पॉइंट निकालना, अब इसके लिए ये बात पता होनी चाहिए कि केवल एक वेरिएबल हो, इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए, सही बात है। क्योंकि इस टाइप के केस में दो इक्वेशन नहीं मिलेंगे, सही बात है, इसलिए सिर्फ एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लैम्डा के इक्वल, बस ये प्लेन पर भी है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दो, सीधी सी बात है, सही बात है ना। और इसके बाद जो रिजल्ट आया, लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर देना, बी पॉइंट आ जाएगा। सर यहां पर पुट करो एक बार, यहां पर एक बार, यहां पर जो भी रिजल्ट आए, और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा जो भी वैल्यू, इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।